हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण का जो सेक्टर 18 है उसका पॉकेट 1A में। तो आज हम 1A की वीडियो शूट करेंगे कि 1A में कितना काम जो है वो हो चुका है, कितना काम अभी बाकी है, क्या क्या काम यहाँ पे हो गया है, सीवर का और नाली का और लाइट का, तो ये इस तरीके से रोड वगैरह का कितना काम हो चुका है, तो यही हम पूरी वीडियो में दिखाएंगे। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन और मेरी वीडियो पर कमेंट आए थे कि हम जो है 1A की वीडियो बनाएं, वहाँ पे दिखाएं कि कितना काम हो चुका है। तो आज की वीडियो में 1A का ही पूरा हम जो है वो शूट करेंगे और एक एक प्लॉट का दिखाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लॉट का हम आपको दिखाएंगे कि किस प्लॉट की लोकेशन कहाँ पे है, कितना उस पर काम हो चुका है, तो सारा कुछ जो है वीडियो में दिखाएंगे। और वीडियो को आप लास्ट तक देखें तभी आपको जो है क्लियर हो पाएगा कि आपका प्लॉट वगैरह जो है वो किधर है, किस तरह की लोकेशन है इसकी, तो सारा कुछ जो है वीडियो में आगे आप देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आगे। तो आप देखेंगे कि हम जो है सेक्टर 18 पॉकेट 1A और यहाँ पे प्लॉट नंबर जो है 1 से 6 तक इस साइड में है। आप देख पाएंगे इस तरीके से 1 से 6 तक इस साइड में प्लॉट है। आप देख पाएंगे इस तरीके का यहाँ पे जो है काम हो चुका है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे नाली वगैरह का काम जो है वो कम्प्लीट हो गया है और ग्रीनरी के लिए पौधे वगैरह लग गए हैं, उन पर बॉक्स वगैरह भी लगे हुए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। और सीवर वगैरह जो है उनका भी यहाँ पे काम हो चुका है। तो आप देख लें दोस्तों कि काफी काम जो है वो हो चुका है, इस तरीके से आप देख पाएंगे। ये आप देखेंगे कि लाइट के पोल वगैरह जो है वो भी यहाँ पे खड़े हो गए हैं और लाइट के पोल जो है वो लास्ट में ही खड़े होते हैं, जबकि मानो कि सारा काम हो जाता है तभी पोल वगैरह जो है वो खड़े होते हैं सभी पॉकेटों में। तो यहाँ पे पोल वगैरह भी लाइट के जो है वो लग गए हैं। तो आप ये देखें कि 1 से 6 तक जो है वो इतना काम हो चुका है। अब एक एक प्लॉट पे मैं जाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर वो लोग देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि इस रोड पे रोड वगैरह जो है बिल्कुल काली है और 1 से लेकर 6 तक इसी पे है। और इस तरीके से प्लॉट का जो ज़मीन है वो भी एकदम समतल है, बढ़िया है, तो सब कुछ दिख रहा है। तो अब आगे चलते हैं हम, तो ये देख सकते हैं इधर ये जो जगह है ये बीच में छोड़ी गई है पार्क वगैरह के लिए। उसके बाद जो है उधर की साइड दूसरी साइड जो है आई पॉकेट है, आई पॉकेट की भी हम वीडियो शूट करेंगे अभी, वो आपको देखने के लिए मिलेगी हमारे चैनल पे। तो इससे उधर जो है वो आई पॉकेट है, आई पॉकेट में भी काफ़ी काम हो चुका है। अभी हम 1A का ही जो है पूरा शूट करते हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों कि इस तरीके से रोड वगैरह जो है बिल्कुल काली जो है हो गई है, सारा काम जो रोड का वो कम्प्लीट हो गया है इस पॉकेट में। तो आप इधर देखेंगे कि 7 से लेकर 9 तक जितने भी प्लॉट हैं वो इस रो में हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो वो इस रो में है आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि यहाँ पे मार्किंग वगैरह जो है प्लॉट की हो गई है। जैसे आप देखेंगे कि उधर से थोड़ा घूम के ऐसे लास्ट तक आया है यहाँ पे 9 और 8, तो इस तरीके से ये जो है आप देख पा रहे होंगे ये मार्किंग वगैरह जो है प्लॉट की वो कम्प्लीट हो गई है। तो आप देख लें इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 20 से लेकर 32 तक जो है पॉकेट 1A में इस तरीके से इस रो में है। इनकी भी जमीन जो है वो ठीक है प्लॉट की, सीवर वगैरह का काम अभी यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है वो आप देख लें। बाकी जो है नाली वगैरह भी इधर कंप्लीट है, पौधे वगैरह सब कुछ, तो आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों आपको एक बात बतानी थी, वो मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो मैंने नंबर अपना इस पे दे रखा है अपना चैनल पे, जो भी मैं नंबर वीडियो में मैं डालता हूँ अपना पर्सनल नंबर, तो मैंने उस पे मैं व्हाट्सअप भी यूज़ करता हूँ उसी नंबर पे, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो भी आपका कोई काम है प्लॉट वगैरह से रिलेटेड, तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो कॉल थोड़ा कम करें क्योंकि मैं काफ़ी टाइम जो है वो फील्ड में ही रहता हूँ, तो उस वजह से कॉल वगैरह अटेंड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपका कोई भी काम है, तो मैं जैसे ही फ्री होता हूं उसका आपको रिप्लाई करूंगा इवनिंग में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, फिर मैं अच्छे से आपको जो है उस पर रिप्लाई जो है कर पाऊँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 33 से लेकर 45 तक जो है प्लॉट वगैरह की मार्किंग इधर हो रखी है, इस पर यहाँ पर भी काम जो है टोटली कम्प्लीट है।
तो आप देख लें आपके किस रो में प्लॉट है, और वो इस तरीके से लास्ट तक आपको दिख रहा होगा जैसा स्टार्टिंग में है वैसा ही वो लास्ट तक कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में कंप्लीट नहीं है, वो पूरा जो है कंप्लीट है वहां तक। तो आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे ये 46 से लेके 58 तक प्लॉट वगैरह जो है वो इस रो में है, ये भी आप देख लें। तो चलिए इस बार प्लॉट से ही चलते हैं। ये इस तरीके से है, आप देख लें सीवर वगैरह जो है वो कुछ हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है सीवर का। अब वीडियो देखो, सबका प्लॉट वगैरह दिखाए जाएंगे तो वीडियो लंबा होगा, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद जैसे हमने 1A की अभी वीडियो बनाई और उसमें कुछ लोगों के प्लॉट छूट जाते हैं तो फिर वो लास्ट में बोलते हैं कि हमारा तो प्लॉट दिखाई नहीं, आपने वीडियो बनाया, फिर से एक वीडियो बनाइए, फिर से दिखाई। तो हम कोशिश करते हैं कि वीडियो चाहे लंबा हो जाए मगर प्लॉट वगैरह जो है वो मार्किंग वगैरह जो सबका दिखना चाहिए, जिससे कि वीडियो बनाने का पूरा फायदा हो। तो आप देख लें आपके जिस भी रो में प्लॉट होंगे लास्ट में किधर उधर, तो जैसा स्टार्टिंग में है वैसा ही लास्ट में होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लॉट पे ही जाया जाए तभी आपको क्लियर होगा, वो ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस रो में प्लॉट है तो इसी तरीके से है। तो आप ये देख लें कि यहाँ पे इस तरीके से है, ये नंबरिंग वगैरह जैसे कि 70 हो गया, 71 हो गया, इधर 69 हो गया, इधर 72 हो गया, इस तरीके से। तो वही है कि आप मुझे WhatsApp करेंगे तो मैं जैसे ही फ्री होता हूँ उस पर अच्छे से आपको रिप्लाई करूँगा, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आपको जानकारी चाहिए यहाँ के प्लॉट के, यमुना एक्सप्रेसवे जो ये प्राधिकरण है इसकी जो भी ये अथॉरिटी है, इसके जो भी जानकारी आपको जिस भी तरह की चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, और आपका अर्जेंट काम है तो ही मुझे कॉल करें। किसी प्लॉट वगैरह आपको सेल करना है या आपको परचेज करना है, अगर अर्जेंट है तो ही आप मुझे कॉल करें, नहीं तो आप मुझे WhatsApp करें और WhatsApp पे मैं बहुत अच्छे से आपका जो है रिप्लाई करूंगा। तो आप इधर देख सकते हैं ये 90 की रो जो है, 98-99 वाली जो रो है ये स्टार्ट हो गई है इधर, इधर 96-97 इस तरीके से है, 100 इधर आ गया है। तो आप देख सकते हैं जब लोग बोलते हैं कि हमारा प्लॉट नहीं दिखा, तो फिर मैंने भी सोच लिया कि वीडियो चाहे कितना ही लंबा हो अब सभी का प्लॉट जो है हम दिखाएंगे, जहाँ तक हो सकता है जितना लंबा वीडियो हमसे बन सकता है उतना लंबा वीडियो बनाएंगे, जिसमें क्लियर हो जाए बिल्कुल सभी को कि हाँ मेरा इस रो में है तो यहाँ तक इतना काम तो हो चुका है, वो सारा कुछ दिखे। जब वो लोग हमारे चैनल को देखते हैं वो चाहते हैं कि हमें देखने के लिए मिले, तो हम भी सोचते हैं कि अब चाहे वीडियो लंबा बने या कुछ भी तो जितना पूरा हम दिखा सकते हैं पूरा का पूरा जो है उसमें दिखाएंगे। और दोस्तों हमने अभी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी उसमें दिखाया था कि हमने एक प्लॉट है जो हमारे एक जानने वाले थे उनका एक कोई प्लॉट है यहाँ पे, तो उसकी जेब पॉकेट में उसकी हमने बाउंड्री भी कराई है, चारों तरफ से बाउंड्री कराई है 2 फुट के आसपास, तो जिससे कि अच्छा लगता है अपना प्लॉट देखने में कि हाँ ये हमारा प्लॉट है, इसकी बाउंड्री हो चुकी है, ये थोड़ा एक अच्छा लगता है कि हमारा वहाँ पे प्लॉट है, हमने बाउंड्री कराई हुई है। तो उसके लिए उन्होंने हमसे बाउंड्री कराई, क्योंकि वो आके यहाँ सारा काम जो है नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने हमारे थ्रू उसकी बाउंड्री कराई है, और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने उसकी बाउंड्री कराई है। मैंने वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो आप अगर इस तरीके की बाउंड्री आप कराना चाहते हैं अपने प्लॉट की सेक्टर 18 में या सेक्टर 20 में, किसी भी पॉकेट में, कितने स्क्वायर मीटर का आपका प्लॉट हो, 300 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, 4000 का हो, 2000 का हो, किसी भी तरह का आपका प्लॉट है, आप उसकी बाउंड्री कराना चाहते तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे, जो नंबर हमने यहाँ पे दे रखा है अपना, तो इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी की ईंटें वगैरह जो हम उसमें यूज़ करते हैं, जिनको आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, मानो कभी तोड़ते हैं आप वहाँ पर मकान वगैरह अपना बनाते हैं तो भी आप उन ईंटों को यूज़ कर पाएंगे, इस तरह की ईंट जो हम उसमें यूज़ करते हैं। तो आप इस तरीके की अगर बाउंड्री कराना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें उसके लिए। तो आप इधर दोस्तों देख सकते हैं कि 100 के समथिंग के जो प्लॉट है वो इधर की साइड है, वो आप देख लें 200 से 250 के आसपास के प्लॉट जो है वो उधर हैं उस रूम में, वो आप उधर देख पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 266 से लेके 278-65 इस तरीके के प्लॉट जो है वो इधर हैं यहाँ पे, तो आप देख लें। चलिए एक बार उधर से थोड़ा आपको दिखा देता हूँ मैं, बीच में से थोड़ा निकल के चलते हैं। तो ये आप देख लीजिए इस तरीके से,
आपके प्लॉट जो है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेंगे, जैसे कि 291 वहाँ हो गया, तो उससे लेके उधर की साइड जो है ये आपके इस तरीके से प्लॉट है, आप देख सकते हैं। ज़मीन वगैरह जो है वो बिल्कुल प्लेन है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी काम जो है कंप्लीट है, सीवर वगैरह का भी इसमें भी कंप्लीट है यहाँ पे। और हाँ दोस्तों, जैसे कि अथॉरिटी के गाइडलाइन होते हैं कि आपको यहाँ पे कंप्लीशन वगैरह कराना है, अगर आपका पजेशन लेटर आ गया है और कंप्लीशन वगैरह आपको कराना है, तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कम बजट में अच्छा कंप्लीशन जो है वो भी हम कराते हैं। एक हमने 400 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है जिसका अभी कराया है कुछ टाइम पहले, उसका भी वीडियो जो है मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि पजेशन आने के बाद आपको कंप्लीशन कराना अनिवार्य होता है, वो कराना पड़ता है, तो अगर वो भी आप कराना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे। क्योंकि हम यहीं से हैं, सारा कुछ हमें पता है, लेबर वगैरह का, कहाँ से ईंटें वगैरह मंगानी है, कहाँ से क्या मंगाना है, वो सारी कुछ जो है हमें जानकारी है, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो में दिखाया है अपनी ज़मीन वगैरह, सारा कुछ जो है उसमें दिखाया हुआ है वीडियो में, तो हम यहीं से हैं, सब चीज़ की हमें अच्छे से जानकारी है। और वो बिल्डर वगैरह के थ्रू आप कराते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो आप अगर हमारे थ्रू कराना चाहते हैं कम बजट में अच्छा काम, तो आप ज़रूर हमसे कॉन्टेक्ट करें हमारे दिए हुए नंबर पर। तो आप देख सकते हैं इधर 270 इस तरीके से जो मार्किंग है वो इधर हो रखी है। अब इधर थोड़ा सा आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं 160 की जो रो है वो इधर है, तो इधर भी काम जो है इस तरीके से हो रखा है, 160 160 2 160 इस तरीके से। तो टोटल मिला के ये है कि ये सेक्टर 18 का जो पॉकेट है, अरे कहीं पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि किसी खेत में या किसी प्लॉट में खेती वगैरह हो रखी है, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मोस्टली सारा जो है वो क्लियर है, आप देख पा रहे होंगे। देख लें आप, देखिए आप इधर आ गए हम, तो ये हमारे दोस्त हैं जो हमारी बाइक को लेके हमारे साथ साथ चल रहे हैं हेल्प के लिए, हमारी हेल्प हमारे साथ रहते हैं, इनको बड़ा यहाँ पे घुमा रहे हैं हम भी अपने साथ साथ। तो क्योंकि मैं बाइक जो है और लोगों की तरह भी वीडियो शूट कर सकता हूँ बाइक पे चल के, मगर इसमें साइलेंसर भी जो यूज़ किया वो भी थोड़ी आवाज़ करता है, तो उसकी वजह से वॉइस जो है वो क्लियर नहीं जा पाती है बाइक पे चलते हुए। और मुझे जो मज़ा आता है वीडियो बना के वो खुद चलने में ज़्यादा आता है, ऐसे नहीं कि मैं बाइक से चलूँ उसके बाद वीडियो शूट करूँ, उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आता है, तो इसीलिए मैं पैदल ही चल के बनाता हूँ। बनाने को इस पर भी बना सकते हैं, जल्दी वीडियो शूट हो जाएगा, उसमें क्लियर भी नहीं दिखेगा, मैं अपनी बातें जो है वो भी आपके साथ शेयर अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पैदल चल के ही वीडियो बनाई जाए, वीडियो चाहे लंबा हो या किसी तरीके से हो, उसमें क्लियर तो दिखेगा। अगर कोई वीडियो देख रहा है उसको क्लियर देखने के लिए मिले तभी तो फायदा है, वॉइस क्लियर हो, सारा कुछ क्लियर हो, तभी अच्छा मजा आता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट ही हो गया है मोस्टली वन ए जो है पॉकेट। तो दोस्तों बस इतना ही आज की वीडियो में, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास, जिनको प्लॉट वगैरह की वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, यहाँ पे इंटरेस्ट है कि हमने एक्सप्रेस वे प्राधिकरण में प्लॉट वगैरह लेना, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, किसी भी तरह का, उसमें अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे हम फ्यूचर में इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।